गाइस ये है मोटो G64 5G स्मार्टफोन, बेस्ट बजट 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज, क्योंकि इस फोन के अंदर गाइस आपको हर एक चीज का ना एक प्रॉपर बैलेंस मिल पाता है। कुछ फोन्स पे आप देखोगे किसी पे कैमरा अच्छा रहता है तो किसी पे प्रोसेसर खराब रहता है, किसी पे साउंड अच्छा रहता है तो किसी पे डिस्प्ले खराब रहता है। तो मोटो G64 5G ना गाइस 15,000 रुपए के नीचे आने वाला एक ऐसा फोन है जिसके अंदर ना आपको बढ़िया कैमरा मिल जाता है, लाउड साउंड मिलता है क्योंकि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट है, डुअल स्पीकर्स के साथ आता है, इसके अंदर आपको 6.5 इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट वाला एक बढ़िया डिस्प्ले मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा देखने को मिल जाता है। इस फोन के ऊपर मैंने रिसेंटली अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो दिया है चैनल पे, अगर आप न्यू व्यूअर हो पहली बार आ रहे हो चैनल पे ना तो पहले उस वीडियो को जाकर के देख लो, आई कार्ड में आपको लिंक मिल रहा है, उसके बाद इस वीडियो पे वापस आ जाना। मेरे पास जो फोन है ना गाइस ये आइस लिलैक कलर है जो पर्पल कलर की तरह दिखता है। इस फोन के आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं और इसके टोटल 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक 8GB रैम 128GB आता है और एक आपको मिलता है 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाला। आज के इस वीडियो पे ना गाइस मैं इस फोन पे आपको डिटेल्ड गेमिंग रिव्यू देने वाला हूँ, कितना मैक्सिमम ग्राफिक्स ये सपोर्ट करता है, कितना बैटरी हमें ड्रॉप देखने को मिलता है, कितना ये हीट होता है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको एक गेमिंग फोन चाहिए और आपका 15,000 का बजट है तो मोटो अगर आप सोच रहे हो तो ये आपके लिए कैसा रहेगा ये आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। मेरा नाम है अनिमेश, अगर आप चैनल पर नए आए हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन पे आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 प्रोसेसर मिल जाता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसके अंदर ना गाइस आज देखते हैं कि कैसा हमें परफॉर्मेंस मिलता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको अंतुतु स्कोर दिखाएंगे, बेंचमार्क दिखाएंगे, हमें उनसे मतलब नहीं यार, हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना है कि जब हम असली पे इस पे खेलेंगे तो हमें कैसा परफॉर्मेंस मिलता है वो हमारे लिए मैटर करेगा, ना कि नंबर्स देख के हमें कुछ पता चलने वाला है। तो चलो गाइस इस फोन के अंदर ना गेम्स खेल के देख लेते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है कितना पावरफुल। सो गाइस मोटो G64 5G हमारा ये रहा और काफी प्यारा लुक है इसका, इसके ऊपर से मैंने कवर हटा दिया है और गाइस ये फोन एक कॉम्पैक्ट साइज फोन है, इस पे आप सिंगल हैंडली पूरे स्क्रीन पे आराम से पहुंच सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100% कर दिया है मैंने बैटरी और रूम पे मैंने फैन और एसी दोनों को ऑफ कर दिया है और अभी बज रहे दोपहर के 3, तो यहाँ पे मैं चलो गेम शुरू करने से पहले ना एक बार आपको फोन का टेम्परेचर यहाँ पे नोट करवा दूंगा। तो मेरे पास एक इंफ्रारेड थर्मामीटर है जिससे मैं फ्रंट और बैक का टेम्परेचर नोट कर लूंगा और गेम के बाद फिर देखेंगे कि हमें कितना टेम्परेचर में हाइक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मशीन को हमारा ऑन कर लेंगे और इस पे बॉडी को मैं कर देता हूँ सरफेस पे, तो देखो अब सरफेस पे आ चुका है। तो चलो फोन के टॉप का टेम्परेचर एक बार यहाँ ले लेते हैं मेजरमेंट, तो 30.7 डिग्री सेल्सियस, बॉटम पे 33 डिग्री सेल्सियस। अब फोन के बैक साइड पे देख लेते हैं, तो बैक पे घुमाएंगे और यहाँ पे और बॉटम पे ले लेंगे 30.8 डिग्री सेल्सियस, बॉटम पे 31.3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देख सकते हो गाइस मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, 100% बैटरी लेवल, 3:01 में मैं गेम शुरू कर रहा हूँ और ब्राइटनेस यहाँ पे आप देख सकते हो 55% के अराउंड है। तो सबसे पहले चलो BGMI यहाँ पे चलाने वाला हूँ और BGMI का यहाँ पे गेम प्ले देख लेते हैं। साउंड को मैं कर दूंगा फुल, यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे आपको डेडिकेटेड गेम मोड आ जाता है साइड में, यहाँ पे आपको एक छोटा सा, यहाँ पे आप CPU रैम और कोर के यहाँ पे आप टेम्परेचर भी देख सकते हो और यहाँ पे आप ब्लॉक कॉल्स नोटिफिकेशन इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारे BGMI लोड हो चुका है गाइस देख सकते हो और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे एक टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई कर रखा है देखो, और इसके साइज का नहीं था, मैंने रियलमी का यहाँ पे एक टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई किया है। खैर यहाँ पे ये कवर कर रहा है तो मैं इसे रिमूव नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो इसका स्क्रीन थोड़ा सा आपको और बड़ा फील होगा साइड्स पे और यहाँ पे चीन एरिया पे, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पर्ड हल्का से यहाँ पे छोटा मिला था मुझे। यहाँ पे पहले मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ, सेटिंग्स पे चलेंगे, ग्राफिक्स पे आएंगे गाइस, आप देख सकते हो इस पे ना आप स्मूथ पे अल्ट्रा तक खेल सकते हो। मोटो G64 5G के अंदर आपको स्मूथ अल्ट्रा का यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाता है BGMI के अंदर, और बात करें HDR की तो यहाँ पे आपको HDR का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप HD पे हाई सेटिंग्स पे खेल पाओगे या फिर आप बैलेंस्ड पे यहाँ पे अल्ट्रा पे और स्मूथ पे अल्ट्रा पे खेल पाओगे। तो यहाँ पे स्मूथ पे अल्ट्रा पे लगाते हैं, चलो अप्लाई कर देते हैं इसे। तो यहाँ पे पकड़ने में होल्ड काफी अच्छा फील हो रहा है गाइस, कॉम्पैक्ट सा डिवाइस है, आसानी से आप 4 फिंगर क्लो अगर खेलते हो तो यहाँ पे आप खेल सकते हो इस तरीके से, और डिसेंट से यहाँ पे ना इसका वेट भी फील हो रहा है, ज्यादा भारी नहीं है क्योंकि बैक पैनल प्लास्टिक का बना हुआ है, तो आप लॉन्ग आवर्स तक गेमिंग कर सकते हो और आपको यहाँ पे कोई भी अनइजीनेस फील नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे TDM मैच मेकिंग नहीं हो रहा था तो मैंने अरीना ट्रेनिंग लगा रखा है, 3:07 पे हमारा ये मैच मेकिंग हुआ है। यहाँ पे मैं वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे FPS मिल रहा है, देखो इतना मैं यहाँ पे इसको मूव कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा आपको स्मूथनेस इसके अंदर देखने को मिल जाएगा देखो। तो चलो एक मैच यहाँ पे खेलते हैं।
तो गाइस ये मैं MVP बन चुका हूँ और काफी अच्छा यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस मिला। अब एक इरेंगल का मैच यहाँ पे लगा लेते हैं। स्मूथ पे अल्ट्रा पे बहुत मस्त यहाँ पे ग्राफिक्स लग रहा है और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिला खेलने पे, और अभी तक इस पे कोई भी हिट फील नहीं हुआ है। यहाँ पे मैंने 7 से 13 यानी कि 6 मिनट का मैंने यहाँ पे गेम प्ले किया है अभी। This is a simulation game set in a virtual world. And does not represent real life. देखो गाइस, चलो यहाँ पे चलते हैं सेटिंग्स पे और इसको करते हैं HD पे हाई पे और अप्लाई करते हैं। HD पे हाई पे करने के बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफिक्स बिल्कुल चेंज हुआ। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ड्रॉप्स देखने को मिला था, फ्रेम ड्रॉप। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्काइज को, प्लेन को देख लो, नीचे का ग्राफिक्स देख सकते हो, नीचे सब कुछ आपको रेंडर हो रहा है, मिलिट्री बेस। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्राफिक्स रेंडर हो रहा है, देख सकते हो आप। क्लाउड्स यहाँ पे जो उतरते वक्त यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, देखो कोई भी लैग नहीं है अभी तक तो फिलहाल। पैराशूट भी अच्छे तरीके से डिप्लॉय हो चुका है गाइस, फिलहाल तो कोई लैग देखने को नहीं मिला है। तो ये मैं बॉट देख के बॉट को मारने आ गया। बग्गी अब देख लो, बग्गी को यहाँ पे देख लो HD हाई ग्राफिक्स पे, ये रहा। मुझे खेलते हुए गाइस हल्का सा मेरे लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे हल्का टेम्परेचर राइज हुआ फील हो रहा है, थोड़ा सा हीट फील हो रहा है इस जगह पे। और यहाँ पे मैं HD पे हाई पे खेल रहा हूँ ना, तो थोड़ी मुझे कहीं कहीं पे ओकेजनली फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हैवी फ्रेम ड्रॉप्स हुआ। यानी कि गाइस टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपको थोड़ा फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एनिमीज हैं इसीलिए यहाँ पे ये फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को मिला। क्योंकि HD हाई पे थोड़ा फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहा है ना, तो मैंने स्मूथ अल्ट्रा कर दिया वापस, और अब ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा गाइस। और यहाँ पे अगर मैं गेम सेंटर की बात करूँ तो देखो यहाँ पे 46 डिग्री दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं मर गया गाइस। इसके ऊपर वाले पोर्शन पे हल्का यहाँ पे हीट फील हो रहा है टॉप पे, और बैक साइड से भी यहाँ पे हल्का सा इस जगह पे कैमरा मॉड्यूल के पास हीट फील हो रहा है। एंड गाइस अगर आप एक जायरोस्कोप प्लेयर हो ना, तो इसके अंदर आपको जायरोस्कोप भी देखने को मिल जाता है। आपको सेटिंग्स पे चलना पड़ेगा, कंट्रोल्स के अंदर आप यहाँ पे एडवांस कंट्रोल्स पे चले जाना, और नीचे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखो जायरोस्कोप ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन है। तो इसको मैंने ऑन कर दिया है, और आप देखते हैं इसका देखो जायरोस्कोप किस तरीके से वर्क कर रहा है। देखो ये रहा, बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे जायरोस्कोप वर्क कर रहा है गाइस, कोई भी आपको इस पर डिले नहीं देखने को मिलता है, बहुत ही स्मूथली यहाँ पे ये वर्क कर पा रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं फ्री फायर पे। और गाइस मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने रूम पे ना तो फैन चला रखा है ना ही मैंने AC चला रखा है, तो अगर आप फैन चला के खेलोगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा परफॉर्मेंस बेटर होगा और AC पे और अच्छा होगा। सबसे पहले चलेंगे सेटिंग्स पे, और मैं आपको यहाँ पे ग्राफिक्स दिखाता हूँ डिस्प्ले पे। तो देखो मैंने सबको यहाँ पे मैक्स और हाई पे कर रखा है। ग्राफिक्स हमारे स्मूथ, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा और मैक्स तक का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ मैक्स सपोर्टेड है। यहाँ पे आप देखो ये ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। देखो प्लेन से लोग जंप कर रहे हैं तो आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है। तो चलो हम लोग यहाँ जंप कर जाते हैं। वो तो होवरबोर्ड लेके यहाँ पे हम लोग उतर रहे हैं। देखो ग्राफिक्स क्या अमेजिंग, मस्त मस्त लग रहा है गाइस। वाओ पैराशूट भी अच्छे से स्मूथली यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है, और यहाँ पे फाइट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैं फ्री फायर ज़्यादा खेलता नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पे हाई पे सारा मैक्सिमम ग्राफिक्स पे फ्री फायर काफी स्मूथली चल रहा है। तो यहाँ पे बंदे ने मार दिया मुझे, क्योंकि मुझे खेलने नहीं आता है। अब चलते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी पे गाइस, और 95% बैटरी लेवल है। सो गाइस यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी हमारे स्टार्ट हो गया है। मैं आपको ग्राफिक्स पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑडियो ग्राफिक्स पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखो ग्राफिक क्वालिटी को ना आप यहाँ पे हाई पे रख सकते हो, सबसे टॉप पे मैंने रखा हुआ है, और फ्रेम रेट को भी आप मैक्सिमम पे ले जा सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट कर दिया मैंने, देख सकते हो बहुत ही ज्यादा आपको स्मूथ फील होने वाला है। Mag,
लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ स्मूथली ये वर्क कर रहा है। देखो कोई भी FPS ड्रॉप यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ कार का ग्राफिक्स देख सकते हो गाइस, क्या मस्त लग रहा है यहाँ पे। आप देखो बिल्कुल रियल आपको लग रहा है, फील आएगा एकदम। यहाँ पे हम लोग जीत चुके हैं। जैसे कि मैं आधे घंटे से ऑलमोस्ट गेमिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे सिर्फ 7% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। इतने बीच मैंने आपको 3 गेम्स खेल के दिखाए, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिसेंट एक परफॉर्मेंस मैं कहना चाहूंगा। लेकिन बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखना क्योंकि ये गेमिंग सेंट्रिक फोन नहीं है। यहाँ पे आप लो सेटिंग्स में गेम खेलो बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा, लेकिन अगर आप हाई ग्राफिक्स पे खेलना चाहोगे ना तो थोड़ा आपको यहाँ पे ना इसमें फ्रेम ड्रॉप्स ये सब देखने को मिल सकता है और थोड़ा हीटिंग इशू भी देखने को मिलेगा। और चलो आप इसका टेम्परेचर यहाँ मेजर कर लेते हैं। 7% बैटरी ड्रॉप हुआ है, 100 पे मैंने स्टार्ट किया था और अब एक बार टेम्परेचर इसका मेजर कर लेते हैं। तो चलो पहले टॉप पे लेंगे फ्रंट का 41.3 डिग्री सेल्सियस, बॉटम पे 40.3 डिग्री सेल्सियस। चलो बैक साइड पे मेजर करते हैं 39.4 डिग्री सेल्सियस और बॉटम पे देख लेते हैं 37.4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस टेम्परेचर हमारा बिफोर गेम था फ्रंट पे 30.7 डिग्री सेल्सियस, टॉप पे जो कि हो चुका है 41.3 डिग्री, यानी कि कह के चलो कि 9-10 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस है। बॉटम पे था 33 डिग्री सेल्सियस और अब हो चुका है 40.3 यानी कि 7 डिग्री के करीब। बैक पे था 30.8 डिग्री, अब हो चुका है 39.4 डिग्री यानी कि 8-9 डिग्री के अराउंड। और बॉटम पे था 31.3 डिग्री, अब हो चुका है 37.4 डिग्री यानी कि 5-6 डिग्री कह रहा हूँ। तो इस तरीके का आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अब गाइज मैंने इस फोन को लिया था 14,000 रुपए का और अभी फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा है, कार्ड डिस्काउंट चल रहा है। तो आप अगर कार्ड डिस्काउंट लगाते हो लाइक SBI का या फिर आप एक्सिस बैंक का, HDFC का, फ्लिपकार्ट एक्सिस का, तो आपको ना ये 12,500 रुपए के अराउंड भी मिल जाएगा 8GB 128GB वाला। तो बहुत ही अच्छा डील है गाइस, 15,000 रुपए के अंदर ना बेस्ट डील है। तो अगर आप इसका टॉप वेरियंट लोगे ना तो आपको 15,000 रुपए तक में मिल जाने वाला, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। या फिर अगर आपके पास बजट नहीं है तो 8/128GB भी आपके लिए सफिशिएंट यहां पे परफॉर्मेंस एंड स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना आपको मोटो G64 5G स्मार्टफोन का ये गेमिंग रिव्यू वीडियो कैसा लगा। अब इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसका कैमरे के ऊपर मैं डिटेल्ड कैमरा रिव्यू लेकर आने वाला हूं क्योंकि मेरा नीड था कि 15,000 रुपए के अंदर मुझे एक अच्छा कैमरा फोन लेना है वीडियोस बनाने के लिए, फोटोज लेने के लिए। इसके अंदर OIS मिलता है, वो कैसा परफॉर्म करता है, इसका 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, रियल लाइफ टेस्ट करेंगे उस वीडियो पे, डिटेल्ड हर चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और आने वाले मोटो G64 5G वीडियोस देखने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।